पूरे देश में कोहराम मचा है। चालू चीन बॉर्डर पर आ गया है। उसके हाव भाव ऐसे मानो एलएसी लांगना उसके रोज रोजमर्रा की बात हो। यह बात अलग है कि जब भारतीय सेना की उलटबाजी पड़ी तो चीनी सेना ने 2 किलोमीटर पीछे जाने में ही अपनी भलाई समझी। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी का स्यापा ऐसा कि मानो 1962 की लड़ाई की नेहरू की लगाई काली को मोदी ने अपनी कायरता से धो दिया हो। नहीं मनीष भाई, दरअसल 1962 हर भारतीय के सीने पर लगा एक ऐसा घाव है जो तब भरेगा जब चीन अपने घुटनों पर आएगा। चीन द्वारा एलएसी पर आकर बंदर घुड़की देना कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसके द्वारा इसकी थूम काटने का एक दिया हुआ मौका है। डोकलाम के बाद वुहान और महाबलीपुरम में की गई शीर्ष स्तर की वार्ता एक जाल थी ताकि एलएसी पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्चस्व बना रहे। भारत द्वारा एलएसी के पीछे अपनी सीमा में पुल और सड़कों को बनाना अपने लिए चुनौती मान लिया। चीन जब चाहे एलएसी पर पहुंच जाए और भारत को सोचना पड़े, यह स्थिति अब बर्दाश्त नहीं होगी। यह स्टैंड ऑफ या तो भारत की शर्तों पर हटे या बना रहे, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न चले। जब तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहें, तल्खी बनी रहेगी। भारत के पास पूरा मौका होगा तिब्बत और ताइवान कार्ड को इस्तेमाल करने का। खतरा एस्केलेशन का तो होगा, लेकिन इस बार जरूरत है चीनी रिजॉल्व को टेस्ट करने की। पूर्वोत्तर में उग्रवाद, मध्य और पूर्व भारत में माओवाद और पाकिस्तान की मदद से इस्लामिक आतंकवाद, दरअसल चीन द्वारा ही भारत पर थोपा गया है। चीन ने बिना अपने एक भी सैनिक के गवाए भारत के हजारों सैनिकों की बलि ले ली है। वैसे तो देश को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, पर चीन को तुर्की ब तुर्की जवाब देना समय की नजाकत है। पूरा एशिया टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रहा है कि शायद इस बार इस कालिए नाक का फन कुचला जा सके। बड़े बड़े पैरेड और हथियारों के प्रदर्शन के प्रोपेगेंडा वीडियो को दिखाकर चीन अपने आप को दुनिया की महाशक्ति मनवाना चाहता है। पिछले 40 सालों में चीन ने किसी भी युद्ध या झड़प में अपने एक सैनिक को भी नहीं गंवाया है, यानी कि बिना किसी तीतर का भी शिकार किए बिना यह अपने आप को शिकारी आजम मनवाना चाहता है। वहीं भारत उग्रवाद, माओवाद और इस्लामिक आतंकवाद के दंश को झेलते हुए अपने वीर जवानों के ताबूतों को उठाते हुए अपने कंधे मजबूत कर चुका है। अमेरिका आज यूं ही महाशक्ति नहीं है। इसके जवानों ने इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, वियतनाम और सीरिया में अपने देश हित के लिए कुर्बानियां दी है। मगर चंटची वियतनाम के सिविलियन जहाज को डुबोकर, ताइवान को धमकी देकर और पूरी दुनिया के साथ युद्ध लड़ने का टाइम टेबल सेट कर महाशक्ति बनना चाहता है। ऐसा नहीं चलेगा। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी सेना को फ्रंट लाइन पर पोजीशन किया है। इसे भागने मत दे। जल्दबाजी में किए किसी समझौते से इसे फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा और इसके पैतरेबाजी को और हवा मिलेगी। अभी पूरी दुनिया इसके द्वारा किए गए कुकर्मों से हलकान है। दुनिया के किसी भी देश में इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, सिवाय इसके चमचे पाकिस्तान के। पाकिस्तान की मिलिट्री, मीडिया और खासकर कुछ यूट्यूबर चीनी लहंगे में घुसकर डांस कर रहे हैं। चीन के पिछवाड़े पर पड़ी लात से बाजवा और इमरान दोनों के नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे। एलओसी पर यूं तो रोज भारत पाकिस्तान का तबला बजाता है, पर चीन की वजह से ध्यान बटने से अभी पाकिस्तानियों को कुछ राहत मिली है। इन कायरों को चीन की जीत में अपनी जान छूटती हुई लग रही है, पर इस टुटपुंजिए को क्या पता कि चीन उस घड़ी को कोस रहा है जब उसने एलएसी लांगने की हिमाकत की थी। भारत आसानी से उसे फेस सेविंग का मौका नहीं देगा। उसे बड़ी बेआबरू होकर कूचे से निकलना ही पड़ेगा। एलएसी के पास हथियारों को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, इनसे हमारे भी भंडार भरे हुए हैं, मादा है इनके इस्तेमाल का। जब बॉडी बैग्स बीजिंग पहुंचेंगे तब युद्ध का मोल समझ में आएगा। हमें तो इनकी आदत है। रणनीति कहती है स्टैंड ऑफ को लंबा खींचे और गर्मियां काट ले पठारों पर और इंतजार करें चीन द्वारा की गई किसी गलती का। अगर चीन यहाँ पिटता है तो उसके 10 पड़ोसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इंतजार कर रहे हैं रावण दहन का। एक बात और, इसका दुम चल्ला पाकिस्तान सियाचिन के पास स्कार्दू एयरबेस से मरेल JF-17 को उड़ाकर चीन में गैस भरने की कोशिश कर रहा है। इसके ख्वाबों में सियाचिन पर कब्जे के सपने आ रहे हैं। एक बार इस दुष्ट चीन से निपट लिया जाए तो इस न्यूक्लियर रूपी शेर की खाल में छिपे इस गधे को धोबी पाट देना ही होगा। और अब बारी आने वाली गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जे की, इंतजार करें।